मार्केट। सबसे पहले हम देखेंगे कि परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट क्या होती है। परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट इज अ सिचुएशन, एक ऐसी सिचुएशन होती है जहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स, बहुत सारे बायर्स एंड सेलर्स होते हैं और अगेंस्ट इन द परचेज एंड सेल ऑफ द आइडेंटिटी सिमिलर। मतलब कि परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट वो मार्केट होती है जहाँ पे बहुत सारे बायर्स होते हैं, बहुत सारे सेलर्स होते हैं और अपनी जो गुड्स हैं उनको सेल और परचेज करते हैं। सिमिलर कंपनीज हु आर इन क्लोज कॉन्टैक्ट विद वन अनदर, जो कि ऐसी क्वांटिटीज को, ऐसी वस्तुओं को बेचते हैं जो कि दूसरी वस्तु की क्लोज सब्स्टिट्यूट होती है वन अनदर एंड हु सेल्स फ्रीली अमंग देम सेल्स। और वो जो फर्में होती हैं या जो सेलर्स होते हैं वो फ्री होते हैं उनको सेल आउट करने के लिए। तो परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट इज अ सिचुएशन वेयर लास्ट नंबर ऑफ बायर्स, बहुत सारे बायर्स एंड सेलर्स आर अगेंस्ट इन द परचेज एंड सेल ऑफ, परचेज और सेल के लिए अंगेज होते हैं आइडेंटिकल सिमिलर कॉम्पिटिटिव्स, सिमिलर कॉम्पिटिटिव्स को बेचने के लिए हु आर इन क्लोज कॉन्टैक्ट, जो कि एक दूसरे के क्लोज कॉन्टैक्ट में होती हैं। परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट के फीचर्स क्या हैं? इसके फीचर्स हैं, नंबर वन है फ्री एंड परफेक्ट कॉम्पिटिशन। इसमें फ्री कंपटीशन होता है, किसी की कोई इसमें इंटरप्शन नहीं होती है, ठीक है, और परफेक्ट कंपटीशन होता है। सेकंड है लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स, बहुत सारे इसमें बहुत सारी मात्रा में क्या होते हैं, सेलर्स होते हैं। लार्ज नंबर ऑफ बायर्स, बहुत सारी मात्रा में खरीदार होते हैं, बायर्स जिनको बोलते हैं, बहुत सारी मात्रा में कौन होता है, खरीदार होते हैं। होमोजीनियस प्रोडक्ट, एक जैसा ही प्रोडक्ट इस परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट में बेचा जाता है। नेक्स्ट है फ्री एंट्री एंड एग्जिट, इस तरह की मार्केट में फर्में जो है उनको एंट्री करने की भी इजाज़त होती है और छोड़ने की भी इजाज़त होती है। परफेक्ट नॉलेज, इसमें इस तरह की मार्केट में वस्तु का जो होता है वो परफेक्ट नॉलेज होता है, वस्तु के मामले में कैसी वस्तु है, कैसे मतलब क्या उसका वो है क्वालिटी है, इसके बारे में उसको परफेक्ट नॉलेज होता है। नेक्स्ट परफेक्ट मॉडलिटी ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो होते हैं लैंड लेबर कैपिटल, उनकी क्या होती है जो मोबिलिटी होती है वो परफेक्ट होती है। नेक्स्ट लैक ऑफ ट्रांसपोर्ट कॉस्ट, जो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट होती है वो भी कम लगती है। और नो सेलिंग कॉस्ट, इसका लास्ट फीचर है नो सेलिंग कॉस्ट। लार्ज नंबर ऑफ बायर्स, प्योर कंपटीशन में क्या होता है, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स, बहुत सारी मात्रा में खरीदार होते हैं। लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स, और बहुत सारी मात्रा में जो है वो सेलर्स होते हैं। नेक्स्ट है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन डिटर्मिनेशन अंडर परफेक्ट कंपटीशन मार्केट, अंडर परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में कैसे प्राइस को डिटरमाइन किया जाता है, प्राइस को वस्तु की कीमत को कैसे फिक्स किया जाता है। तो टोटल डिमांड क्या होती है, द डिमांड अबाउट विच पीपल आर विलिंग टू बाय एट वेरियस प्राइसेस। डिमांड एक ऐसी क्वांटिटी ऑफ क्वांटिटी होता है जिसमें कि लोग जो है वो वेरियस प्राइसेस के ऊपर किसी भी चीज़ को खरीदने की इच्छा रखते हैं, तो वो कहलाती है हमारी डिमांड। टोटल सप्लाई, द अमाउंट विच द प्रोडक्ट प्रोड्यूसर्स आर विलिंग टू पुट ऑन द मार्केट एट वेरियस प्राइसेस। जब मार्केट में लोग जाते हैं और वो किसी चीज को खरीदने की इच्छा रखते हैं तो उसको हम बोलते हैं टोटल सप्लाई, द अमाउंट विच द प्रोड्यूसर्स आर, मतलब जो निर्माण करता है, उत्पादक है, आर विलिंग टू पुट ऑन द मार्केट एट वेरियस प्राइसेस। इक्विलिब्रियम बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई प्राइस, सप्लाई और डिमांड में इक्विलिब्रियम कब होता है ये देखिए इसके टेबल के द्वारा इसको शो किया गया है। प्राइस हमारे पास 5, 10, 15, 20, 25, 30 एंड 35 ऐसे करके हमारे पास प्राइस दिया गया है। नेक्स्ट है डिमांड, जब 5 प्राइस है तो डिमांड कितनी है 12 है, 10 है प्राइस तो डिमांड 10 आ गई है, 15 है तो डिमांड हमारे पास 8 है, 20 है तो डिमांड 6 है, 25 है
30 है तो 2 और 35 है तो 1। जैसे जैसे प्राइस बढ़ रहा है डिमांड के और हमारे पास कम हो रही है और सप्लाई, जब प्राइस हमारे पास 5 है सप्लाई 1 है, 10 प्राइस आ गया सप्लाई 2 आ गई, 15 प्राइस आ गया सप्लाई 4 आ गई, 20 प्राइस आ गया सप्लाई 6 आई, 25 ऐसे 35 तक सप्लाई की होगी हमारे पास 12 होगी। इसमें ये साफ पता लग रहा है कि डिमांड और प्राइस के बीच में नेगेटिव रिलेशनशिप होता है और प्राइस और सप्लाई में पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है। इसमें फर्स्ट 3 यूनिट्स तक देखिए 1, 2, 4 डिमांड जो है वो ग्रेटर देन सप्लाई है, डिमांड किससे ज्यादा है सप्लाई से ज्यादा, डिमांड 12 है तो सप्लाई 1 है, डिमांड 10 है तो सप्लाई 2 है, डिमांड 8 है तो सप्लाई क्या है हमारे पास 4 है। तो डिमांड इज ग्रेटर देन सप्लाई जो कि क्या हमारे को शो करता है एक्सेस डिमांड, कि डिमांड जो हमारे पास वो ज्यादा है और सप्लाई जो हमारे पास वो कम है। नेक्स्ट इसमें आगे प्राइस जो 20 है डिमांड भी 6 है और सप्लाई भी 6 है, डी इज इक्वल टू एक्स डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई, तो ये आ गया हमारे पास इक्विलिब्रियम पॉइंट जहाँ पे डिमांड और सप्लाई जो है वो इक्विलिब्रियम इक्वल होते हैं तो संतुलन में होते हैं तो उसको हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम पॉइंट। उसके बाद जैसे जैसे प्राइस बढ़ा 25, 30, 35 तो डिमांड आ गई हमारी 4, 2, 1 ठीक है। इसमें क्या हुआ डिमांड इज लेस देन सप्लाई, डिमांड कम है और सप्लाई क्या है हमारे पास ज्यादा है, जैसे कि डिमांड हमारे पास 4 है सप्लाई 8, डिमांड 2 है सप्लाई 10, डिमांड 1 है तो सप्लाई 12, तो डिमांड इज लेस देन सप्लाई और ये कौन सी सिचुएशन आ गई हमारे पास एक्सेस सप्लाई। तो तीन सिचुएशन आई हमारे पास इधर एक्सेस डिमांड इक्विलिब्रियम और एक्सेस सप्लाई। एक्सेस सप्लाई कब हुई जब डिमांड जो है वो किससे सप्लाई से कम है, इक्विलिब्रियम कब आया जब डिमांड जो हमारे पास सप्लाई के बराबर है और डिमांड डी इज ग्रेटर देन एस जब डिमांड ज्यादा है सप्लाई कम है तो हमारे पास आगे सिचुएशन ये एक्सेस डिमांड की। डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन है इस चीज की, ये देखिए प्राइस हमारा पी जो कि वाई एक्सिस पे है, क्वांटिटी हमारी एक्स एक्सिस पे है, पॉइंट ये सप्लाई कर्व है अपवर्ड और डाउनवर्ड जो हमारे पास डिमांड कर्व है ठीक है। तो ये जो पॉइंट है जहाँ पर सप्लाई और डिमांड आपस में इंटरसेक्ट कर रहे काट रहे हैं दूसरे को जो पॉइंट ई है इक्विलिब्रियम पॉइंट, मतलब कि जहाँ पे डिमांड और सप्लाई जो हमारी इकट्ठी हो जाती है तो होता है हमारे पास इक्विलिब्रियम प्राइस। चेंज इन इक्विलिब्रियम कैसे इक्विलिब्रियम में चेंज कैसे होता है, द इक्विलिब्रियम प्राइस एंड क्वांटिटी चेंजेस ड्यू टू चेंज इन डिमांड कर्व और सप्लाई कर्व। इसमें इक्विलिब्रियम प्राइस में कब चेंज आता है जबकि डिमांड जब डिमांड कर्व में चेंज आता है और सप्लाई कर्व में चेंज आता है तो उसको क्या चीज इफेक्ट करती है, उससे क्या चीज इफेक्ट होती है वो इक्विलिब्रियम संतुलन इफेक्ट ऑफ चेंज इन डिमांड। देखिए इसमें y एक्सिस में प्राइस शो किया गया है, x एक्सिस में क्वांटिटी शो की गई है। P1 जो प्राइस है पहले आया हमारे पास कर्व ये D1 ये कर्व आया हमारे पास D1 और जब बढ़ गई डिमांड बढ़ी तो ये कर्व आ गया हमारे पास D2। सप्लाई कर्व जो है वो कांस्टेंट है वो स्थिर है ठीक है। तो जब P1 प्राइस हुआ तो हमारे पास क्वांटिटी कितनी है क्वांटिटी डिमांडेड है हमारे पास क्या हुआ, जब P2 डिमांड प्राइस हुई तो क्वांटिटी डिमांडेड आ गई मेरे पास क्यों 2 और इक्विलिब्रियम पॉइंट यहाँ पे है ई और ये E1 और यहाँ पे E2। जब डिमांड आगे की तरफ हो गई मतलब बढ़ी तो इक्विलिब्रियम प्राइस क्या है वो भी बढ़ गया और सप्लाई के हमारे पास वो कांस्टेंट है। इफेक्ट ऑफ चेंज इन सप्लाई, पहले डिमांड जो थी हमारी सप्लाई का जो था हमारा स्थिर था, डिमांड बढ़ी घटी, अब क्या है सप्लाई कर्व जो है वो डिमांड कर्व जो स्थिर है और सप्लाई कर्व जो है वो घटा ठीक है। तो पी जो प्राइस था वाई एक्सिस पे पी है, पी जो प्राइस था तो क्वांटिटी डिमांडेड हमारी क्यों ठीक है, उसके बाद जो पी वन प्राइस बढ़ गया तो डिमांड क्या होगी कम होगी क्यों वन। ये देखिए यहाँ पे पी से क्यों तक और पी वन से क्यों तक ठीक है, एस एस कर्व है ये और ये एस वन ठीक है, इसकी तरफ इस तरफ गया ये तो मतलब इंक्रीज इन सप्लाई। इफेक्ट ऑफ चेंज इन बोथ डिमांड एंड सप्लाई, जब डिमांड और सप्लाई दोनों में चेंज होता है तब कैसे इक्विलिब्रियम पॉइंट आता है, ये देखिए यहाँ पे है पहला है जब डिमांड जो है वो ज्यादा चेंज हो रही है सप्लाई थोड़ी चेंज हो रही है
तो यहाँ पे डी ये जो कर्व है यहाँ पे ये इक्विलिब्रियम पॉइंट है और यहाँ पे ये इक्विलिब्रियम पॉइंट है। सेकंड में है सप्लाई भी बढ़ रही है और डिमांड भी बढ़ रही है, ठीक है, तो इसमें जो है प्राइस जो है वो कम हो रहा है और घट रहा है, इसमें भी प्राइस कम हो रहा है घट रहा है। जब दोनों सप्लाई और डिमांड में दोनों में इक्वल फर्क आता है तो प्राइस जो है वो रिमेन कॉन्स्टेंट और जो सप्लाई है हमारे पास वो 15, पहले 20 थी, 25 थी और फिर 15 होगी, तो बोथ उनके दोनों का जो इफेक्ट है वो कैसे पड़ता है इक्विलिब्रियम प्राइस पे, ये डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन है इस चीज की। नेक्स्ट हमारे पास टाइम एलिमेंट। टाइम एलिमेंट क्या होते हैं? मार्केट पीरियड। सबसे पहले मार्केट पीरियड क्या चीज होती है? रेफर्स टू टाइप ऑफ कॉम्पिटिटिव मार्केट। कॉम्पिटिटिव मार्केट की एक टाइप है इन विच द कॉम्पिटिटिव आर पेरिशेबल, जहाँ पे कॉम्पिटिटिव क्या होती है, पेरिशेबल मतलब कि जल्दी खराब होने वाली चीजें, पेरिशेबल एंड सप्लाई ऑफ सच कॉम्पिटिटिव कैन नॉट बी चेंज एट ऑल, और उनकी जो पेरिशेबल गुड्स होती हैं उनकी सप्लाई को किसी भी स्थिति में उसको चेंज नहीं किया जा सकता क्योंकि वो गुड्स जो है वो पेरिशेबल, अगर उनको रुक के रखा जाए, फल सब्जी वगैरह होती है उनको ज्यादा दिन स्टोर नहीं कर सकते, तो उनकी सप्लाई को हम चेंज नहीं कर सकते। नेक्स्ट है हमारे पास शॉर्ट पीरियड। शॉर्ट पीरियड में सिमिलर टू मार्केट पीरियड एक्सेप्ट दैट द कमोडिटीज इन क्वेश्चन आर नॉट पेरिशेबल बट ड्यूरेबल थ्रू ऑफ अ शॉर्ट ड्यूरेशन देन कैपिटल, मतलब कि ये चीजें पेरिशेबल तो नहीं रहती है लेकिन कैपिटल गुड्स की तरह ये ड्यूरेबल भी नहीं होती है, तो ये चीजें जो होती है वो शॉर्ट पीरियड में आती है। लॉन्ग रन, लॉन्ग रन में क्या होता है? ऑल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कैन बी चेंज्ड। लॉन्ग रन मतलब कि लंबा समय, उसमें ऑल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को हम लोग क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। सेक्युलर पीरियड, सेक्युलर पीरियड क्या होता है? वेरी लॉन्ग पीरियड, बहुत ज्यादा लंबा पीरियड जिसमें कि अंडरलाइन इकोनॉमिक फैक्टर्स लाइक साइज ऑफ पॉपुलेशन, जनरल कंडीशन ऑफ कैपिटल सप्लाई एक्सेट्रा कैन बी चेंज्ड। तो वेरी लॉन्ग पीरियड में क्या होगा, पॉपुलेशन भी बढ़ जाएगी, मतलब चेंज किया जा सकता है इसको भी, जनरल कंडीशन ऑफ कैपिटल सप्लाई, कैपिटल सप्लाई की जो जनरल कंडीशन है उनको भी चेंज किया जा सकता है। पेरिशेबल गुड्स और ड्यूरेबल गुड्स, इसकी प्राइस डिटरमिनेशन कैसे होती है? ये हमारे पास तीन तरह की डिमांड कर्व है, D1, D2, D2 और ये हमारे पास सप्लाई कर्व, इस चीज का पेरिशेबल गुड्स का। जब P है प्राइस हमारे पास तो सप्लाई कितनी है, M क्वांटिटी डिवाइडेड M है, ठीक है, जब P1 प्राइस आया तो ये क्वांटिटी आ गई हमारे पास M1, जब P2 प्राइस आया तो क्वांटिटी आई हमारे पास M2। यहाँ पे अलग अलग तरीके से ये शो किया गया है, इसी तरह से ये है हमारे पास ये है फिगर में बताया गया है डिमांड कर्व है ये हमारे पास D1, D2, D2 डिमांड बढ़ रही है तो डिमांड कर्व किस तरफ अपवर्ड शिफ्ट हो रहा है, घट रही है तो नीचे की तरफ को शिफ्ट हो रहा है और सप्लाई कर्व जो हमारे पास वो कांस्टेंट है और इसमें जो P पॉइंट है इसके पैरेलल जो है E, ये इक्विलिब्रियम पॉइंट, P1 के पास जो है E1 पॉइंट ये इक्विलिब्रियम पॉइंट है और P2 के पास जो है E2 ये भी इक्विलिब्रियम पॉइंट है। रिजर्व प्राइस, रिजर्व प्राइस क्या होते हैं? प्राइस इन द फ्यूचर जो कि फ्यूचर विश्व काल के जो प्राइस होते हैं, फ्यूचर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, स्टोरेज एक्सपेंसेस, ड्यूरेबिलिटी ऑफ कमोडिटी एट फ्यूचर डिमांड, ये सारे हमारे पास क्या होते हैं, रिजर्व प्राइस। प्राइस डिटरमिनेशन अंडर मार्केट प्राइस, सप्लाई कैन बी चेंज्ड बाय चेंजिंग वेरियस फैक्टर्स, सप्लाई को चेंज किया जा सकता है बाय वेरियस चेंजिंग फैक्टर, मेन फैक्टर्स को चेंज करते हुए सप्लाई को चेंज किया जा सकता है। शॉर्ट पीरियड प्राइस इज डिटरमाइंड बाय द फोर्स ऑफ सप्लाई एंड डिमांड, शॉर्ट पीरियड में सप्लाई और डिमांड को फोर्सफुली उसको यूज करके उसके प्राइस डिटरमिनेशन को चेंज किया जा सकता है। प्राइस डिटरमिनेशन लॉन्ग पीरियड, नॉर्मल प्राइस क्या होता है हमारे पास? प्राइस देन टेंड्स टू प्रिवेल इन मार्केट, जो कि मार्केट में प्रिवेल मतलब कि जो एक चला हुआ प्राइस होता है उसको बोलते हैं प्रिवेल। व्हेन फुल टाइमिंग गिवन टू द फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई ऑफ एडजस्ट देमसेल्व्स, सप्लाई और डिमांड को उस
प्राइस के अकॉर्डिंगली इसको एडजस्ट करना होता है। नॉर्मल प्राइस एंड लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स, नॉर्मल प्राइस और लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स में देखिए क्या होता है, इकोनॉमीज ऑफ स्केल्स, इकोनॉमीज ऑफ स्केल्स एंड एसी एंड एमसी फॉल्स, इसमें एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट जो है वो गिरती है। नॉर्मल प्राइस एंड लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट रिटर्न्स, इसमें क्या होता है, नॉर्मल प्राइस एंड लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट रिटर्न्स में क्या होता है, व्हेन एवर द आउटपुट एसी एंड एमसी रिमेंस कॉन्स्टेंट, इसमें घट रही है इंक्रीजिंग में, कॉन्स्टेंट में क्या होता है, ये रिमेन कॉन्स्टेंट होती है, स्थिर होती है। नॉर्मल प्राइस एंड लॉ ऑफ डिक्रीजिंग, इसमें डिसइकोनॉमीज होती है, उसमें इकोनॉमीज थी, इसमें डिसइकोनॉमीज एंड एसी एंड एमसी राइजेस। थैंक यू।